प्रूफ होगा। मैं पत्रकार मित्र वो जो जिन्होंने 6 दशक पहले पत्रकार भवन की नींव रखी थी, आज उनको प्रणाम करता हूं। आज उनका पत्रकार भवन स्टेट मीडिया सेंटर में परिवर्तित होने की शुरुआत है। 7 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की थी कि स्टेट मीडिया सेंटर बनाएंगे और आज यहां आपके बीच में भूमि पूजन हो रहा है। मैं हर उस पत्रकार को प्रणाम करता हूं जिसकी रखी ईंटों ने अपना स्वरूप स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में ढाल दिया है। आपको बारंबार प्रणाम। अब ये कैसा होगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी फिल्म अभी आपने देखी है, इसमें क्या क्या होगा ये उस फिल्म के अंदर आपको बताया गया है, इसलिए मैं उस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये पत्रकार भवन जहां था स्टेट मीडिया सेंटर के रूप में एक नया इतिहास रचेगा। इस अवसर पर मैं फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। और दो चीजें और मेरे मन में आई है, एक प्रदेश में महिला कल्याण और विकास पर अध्ययन करने एवं फेलोशिप के लिए माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से प्रतिवर्ष 5 महिला पत्रकारों को फेलोशिप दी जाएगी, हम ये फैसला कर रहे हैं। और दो चीजें मैंने बीच में छोटे अखबारों के पत्रकारों की दर्द देखे हैं, पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है। रघुवन रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार। और इसलिए 1 महीने के अंतराल से हर छोटे अखबार को विज्ञापन देने की व्यवस्था की जाएगी, इसको हम लागू करेंगे, क्योंकि छोटे अखबारों का अलग महत्व है। उनको पन्नों वाला अखबार कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। और दूसरे 70 साल से ज्यादा जिन वरिष्ठ पत्रकारों की उम्र है उनको परमानेंट स्थायी अधिमान्यता का कार्ड दिया जाएगा। एक बार मित्रों, मैं हृदय के भावों से, मैं शब्दों से नहीं, मैं तो संवेदनशील व्यक्ति हूं, मैं हृदय से बोल रहा हूं, मैं हृदय के भावों से आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के योगदान में, मध्य प्रदेश के विकास में आपके योगदान को स्वीकार करता हूं और मध्य प्रदेश को बढ़ाने में हमेशा मिलके हम आगे प्रदेश को बढ़ाते रहें, इसका आपसे आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत इसके बाद आपके बीच में आके मिलने का प्रयास करूंगा, हम प्रयास करेंगे कि भोजन भी हम लोग साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब आभार।